फिर से खुल सकते हैं बीसलपुर बांध के गेट। बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.50 मीटर। चित्तौड़गढ़ में हुई है अच्छी बारिश से बड़ी त्रिवेणी की ऊंचाई। 2.40 मीटर आने पर बांध के गेट को बंद कर दिया गया था। गेट नंबर 9 खोलकर निकाला जा सकता है डाउन स्ट्रीम का पानी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, फिर से खुल सकते हैं बीसलपुर बांध के गेट। बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.50 मीटर। चित्तौड़गढ़ में हुई है अच्छी बारिश से त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़ी है। त्रिवेणी की ऊंचाई 2.40 मीटर आने पर बांध के गेट को बंद कर दिया गया था। और अब जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, गेट नंबर 9 खोलकर डाउन स्ट्रीम में पानी निकाला जा सकता है। मेरे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए करीब एक महीने तक बीसलपुर बांध से डाउन स्ट्रीम में पानी निकाला गया और करीब 30 TMC पानी निकाला गया था। और जो त्रिवेणी है, जो बांध के बहाव क्षेत्र में बहने वाली नदी है त्रिवेणी, उसका जलस्तर 2.40 मीटर पर आ गया था। तो बांध 9 नंबर गेट जो था उसे बंद कर दिया गया था, यानी बीसलपुर बांध से डाउन स्ट्रीम में पानी निकालने की कार्रवाई बंद हो गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश हुई है, त्रिवेणी वापस से चली है और देखिए 3.50 मीटर की ऊंचाई पर त्रिवेणी इस समय बह रही है। और कल दोपहर तक पानी जो है वो बीसलपुर में पहुंच जाएगा। माना ये जा रहा है कि बीसलपुर से करीब 8 से 9 हजार पानी बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कल दोपहर तक बीसलपुर का एक गेट खोलकर पानी निकालने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और गेट नंबर 9 खोला जा सकता है। देखिए हर बार यही होता रहा है, जब भी बीसलपुर बांध का पहली बार गेट बंद होता है तो फिर एक बरसात का दौर चलता है और बांध के गेट फिर से खोलने पड़ते हैं, क्योंकि इस साल बारिश अच्छी हुई थी लेकिन बीसलपुर बांध के गेट महीने भर ही खोले गए। जबकि बीते सालों में जब भी बांध में चादर चली है तब 2-2, 3-3 महीने तक गेट खुले रहे हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा था कि अच्छी बरसात हुई है, एक स्पैल और आ सकता है और वो संभावना पूरी होती नजर आ रही है कि कल दोपहर तक बीसलपुर बांध का एक गेट खोलकर डाउन स्ट्रीम में पानी निकाला जाएगा और यह कार्रवाई करीब 2 दिन तक चल सकती है। जिस तरीके से पानी की आवक लगातार बनी हुई है बीसलपुर की त्रिवेणी में, तो त्रिवेणी में जब तक ऊंचाई 3 मीटर या 2.75 मीटर रहेगी पानी आगे बढ़ता रहेगा और बीसलपुर बांध में पानी का इनफ्लो बढ़ने के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी निकाला जाएगा। तो देखने वाली बात यह भी रहेगी कि बांध का 9 नंबर गेट आखिर कब तक खुला रह सकता है। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।